नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोग अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में एनडीए 2019 के रिव्यू के बारे में मैं बात करने वाला हूं। देखिए 17 नवंबर को पेपर होने वाला है। बच्चों के मन में बहुत ज्यादा डाउट है कि सर पेपर कैसा आएगा, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, और लास्ट मिनट टिप्स आप हमें दीजिए कि क्या चैप्टर्स और क्या सिलेबस हम अच्छे तरीके से करें ताकि हम इजीली अपनी कट ऑफ क्लियर कर सके। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस से कि एनडीए 2019 का पेपर का लेवल मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे अनुभव के हिसाब से कैसा पेपर आएगा। देखिए इस बार यूपीएससी फर्स्ट टाइम जो है नवंबर में पेपर कंडक्ट करवा रही है एनडीए 2 का। तो अकॉर्डिंग टू मी आपके पास 2 महीने का टाइम पीरियड एक्स्ट्रा है। हर बार 15-20 सितंबर तक जो है पेपर हो जाता था, बट इस बार 17 नवंबर का, तो लगभग 2 महीने का टाइम पीरियड आपके पास एक्स्ट्रा है। तो यू कैन एक्सपेक्ट द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन थोड़ा सा हाई हो सकता है। इफ यू विल कंपेयर विद द मैथमेटिक्स सेक्शन, तो मैथ्स का यस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि समवट जेई मेन के लेवल जितना आपको मैथमेटिक्स का सेक्शन का लेवल देखने को मिलेगा। ये आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, पास्ट 10 ईयर पेपर को कंपेयर भी कर सकते हैं जेई मेन से कि लगभग सिमिलर या 80-90% जो है जेई मेन जैसा लेवल आने वाला है एनडीए 2019 के ऊपर। बात करते हैं जीएस की। देखिए जीएस का एक और डाउट यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं कि सेक्शनल कट ऑफ क्या होती है। बच्चों को लगता है सर जीएटी है, ठीक है, तो उसकी सेक्शनल कट ऑफ कैसे होती है कुछ बताइए। देखिए जीएटी स्टैंड फॉर जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसके अंदर आपके 2 सेक्शन होते हैं। एक होता है आपका इंग्लिश पार्ट, ठीक है, और एक होता है आपका जनरल स्टडीज का पार्ट। जनरल स्टडीज के अंदर इंग्लिश तो आपको पता ही है कि उसके अंदर तो सेक्शन कट ऑफ है ही है, तो इन 2 पेपर के अंदर भी सेक्शनल कट ऑफ है, ये भी मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए अब इंग्लिश अलग हो गया, अब बात कर रहे हैं जनरल स्टडीज की। जनरल स्टडीज में आपका सब कुछ आ गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद करंट अफेयर्स, जीके, स्टैटिक जीके जो होती है, उसके बाद आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी आ रही है। अब बच्चे पूछते हैं क्या हिस्ट्री में पास होना जरूरी है, क्या पॉलिटी में पास होना जरूरी है, क्या ज्योग्राफी में पास होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर पास होना इंडिविजुअली जरूरी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। सोशल साइंस के अंदर, सोशल स्टडीज के अंदर आपको पास होना जरूरी है, उसके लिए कट ऑफ डिसाइड होगी, ठीक है। साइंस के पोर्शन में आपको पास होना जरूरी है, उसके लिए स्पेसिफिक कट ऑफ रहेगी, ठीक है। जीके और करंट अफेयर्स, उसमें पास होना आप दोनों को, आप दोनों पेपर के अंदर जरूरी है, स्टैटिक जीके में भी और जो है नॉर्मल जनरल स्टडीज के अंदर भी आपको पास होना जरूरी है। तो ये एक सेक्शनल कट ऑफ है। अब बात करते हैं लेवल की। देखिए यूपीएससी धीरे धीरे जो ट्रेंड है जनरल स्टडीज के पेपर का वो हाई करती जा रही है, चाहे वो सीडीएस का हो, चाहे एफकैट हो, चाहे आईएनईटी हो, ठीक है। डिफेंस एग्जामिनेशंस के जनरल स्टडीज का सेक्शन सबसे टफ माना जाता है, और इस बार एनडीए 2 में भी आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा लेवल एनडीए 2 का जो जनरल स्टडीज का है वो भी पिछले साल के हिसाब से हाई रहने वाला है। तो आप स्टैटिक जीके पे जितना फोकस कर सकते हैं आप करिए। स्टैटिक जीके मींस जो कभी चेंज नहीं होती है, लॉन्गेस्ट रिवर हो गई, वाइडेस्ट रिवर हो गई, कैपिटल्स हो गई, करेंसीज हो गई, बुक्स, ऑथर्स, इनके नाम, ठीक है, फेमस बुक्स और फेमस ऑथर्स, या अमेंडमेंट जितनी हुई है, और डिफेंस रिलेटेड न्यूज, ये कभी चेंज नहीं होने वाली, तो ये आप स्टैटिकली पढ़ सकते हैं। बात करते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर्स में आई वुड सजेस्ट यू कि अब आप प्रतियोगिता जो है दर्पण मैगजीन को रेफर बिल्कुल मत कीजिएगा, अब आपके पास उतना टाइम नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि कोई अच्छे यूट्यूब चैनल्स जो करंट अफेयर्स डेली देते हैं, या फिर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप जाकर करंट अफेयर्स की वीडियोस देखिए जितना हो सकता है, और स्पेसिफिकली अपने नोट्स डिजाइन कीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। और बात करें अगर आप प्रिपरेशन कैसे करें आगे, तो मैं कुछ वीडियोस के लिंक्स, लाइव सेशंस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव सेशंस जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस है, तो आप वहां जरूर ज्वाइन कीजिए मेरे साथ, और लास्ट मिनट हम लोग प्रिपरेशन इसके ऊपर कर लेंगे। बात करते हैं कट ऑफ की। जो कट ऑफ एनडीए 2019 की रहने वाली है मेरे अकॉर्डिंगली वो 340 से 360 के बीच में रहेगी, ठीक है, 340 से 360 के बीच में। अब आप पूछेंगे सर इतनी हाई कट ऑफ क्यों है, तो उसका रीजन ये है कि अब देखो अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म है बच्चों के पास, तो अब जो प्रिपेयर, और 5 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, ठीक है, इस बार एनडीए 2019 का 5 लाख स्टूडेंट्स विल बी सिटिंग इन द एग्जामिनेशन। चलो मैं मान लेता हूं 1 लाख बच्चे जो है किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं बैठ सकते हैं, 5 लाख एप्लीकेंट्स आए हैं, 4 लाख बच्चे पेपर देते हैं, उन 4 लाख में से कम 2-2.5 लाख तो सीरियस होंगे एस्पिरेंट्स, ठीक है, तो उनके बीच में कॉम्पिटिशन है, और इस बार रिसोर्सेज बहुत सारे हैं बच्चों के पास, तो जो कट ऑफ है जेनरली ऑब्वियसली वो हाई जाएगी, क्योंकि प्रिपरेशन जो
उन्हीं बच्चों की आगे काउंट करी जाएगी जो क्वालिफाई करेंगे, और वो रहते हैं लगभग 6 से 7 हज़ार हर साल की तरह। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से NDTU में परफॉर्मेंस देंगे अपनी। वीडियोस के लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है, लाइव सेशन रहेंगे तो आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो आज के लाइव सेशन बस इतना ही, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।